हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करूंगी जो आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो लेके आएगी और साथ में ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसे बिल्कुल ठीक करेगी। ये एंटी एजिंग की तरह आपके फेस पे काम करेगी, स्किन को यूथफुल बना के रखेगी, आपकी स्किन पे हमेशा ग्लो बना रहेगा। इस क्रीम के साथ नेचुरल क्रीम है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन के लिए। तो देख लीजिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले हमने एलोवेरा ऐड कर देना है। एलोवेरा यहाँ पे मैंने पतंजलि का लिया है और ये केसर वाला है, अगर आप केसर वाला ले सको तो मच बेटर, अगर नहीं है तो आप दूसरे वाला भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्लांट का यूज़ नहीं करना है। 2 स्पून मैंने इसके लिए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि हमने क्रीम बनानी है, तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे इजीली आपकी किचन में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी आप फेस पर। और सबसे पहले इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे जो लेंगे वो है पोटैटो, यानी एक आलू लेना है। और ये क्या करेगी, अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है या फेस पे जो है वो ग्लो नहीं है तो ये इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो लेके आएगा। तो इसके जूस को हमने यूज़ करना है, इससे पहले मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था अब इसके पील के साथ ही, और बस उसके बाद अब हमने इसके जूस को यूज़ करना है। और जूस कितना लेना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जो छोटे वाला स्पून होता है टीस्पून, वो लिए हैं 2 स्पून, और बस अब इसे मिक्स कर लेना है। और इतनी ही क्वांटिटी आपने लेनी है जो 3 से 4 दिन के लिए ये बने, बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं कि 10-15 दिन के लिए बना के रखनी है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल ऐड नहीं है, किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, तो इस तरह से आपने इसे 3 से 4 दिन के लिए ही बना के रखना है। और अब इसे मिक्स कर लिया और अब सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, रॉ मिल्क, यानी हमने कच्चा दूध लेना है। और कच्चा दूध भी यहाँ पे मैंने 2 छोटे वाले स्पून है उसको ही लिया है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जिससे हमारी स्किन को मिलेगा, हमारी स्किन यूथफुल इसके साथ रहेगी। और जब आप मार्केट जाते होंगे, जब मैं भी जाती हूँ, तो आप स्किन वाइटनिंग क्रीम जब आप देखते होंगे तो देखते हैं ना कि उसके अंदर बादाम है तो हम फटाफट से ले लेते हैं, तो इन बादाम है कोई मतलब एलोवेरा है तो ऐसी वाली चीज़ हम जल्दी उठा लेते हैं, लेकिन आप इसे अपने घर पर भी तो बना सकते हो, बहुत इजीली इसे बना सकते हो और नेचुरल चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसके साथ मिलता है। ठीक है, टाइम लग सकता है लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके साथ मिलते हैं और बिल्कुल स्किन इसके साथ किसी तरह का आपकी डैमेज नहीं करती है ना। और जितने भी मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो बहुत ही यूज़फुल है स्किन के लिए, और साथ में इसके अंदर विटामिन ई के मैं इवोन के 2 कैप्सूल ऐड कर दूंगी। और ये क्या करेगा, एंटी एजिंग की तरह आपके फेस पे काम करेगी, अगर आपके फेस पे फाइन लाइन आ गई है, अगर नहीं भी आई है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी स्किन यूथफुल बनी रहेगी। और जिनके फेस पे फाइन लाइन आ गई है ये क्या करेगी, धीरे धीरे आपकी स्किन को टाइट बनाएगी। आपने इसको रेगुलर लगाना है, मसाज करनी है 4 से 5 मिनट, और इससे आपके पिगमेंटेशन अगर आपको हो गया या सन टैनिंग हो गई है उसे भी ठीक कर देगी, क्योंकि इसके अंदर हमने पोटैटो ऐड किया है, इसके अंदर हमने रॉ मिल्क कच्चा दूध ऐड किया है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर स्किन पे ग्लो नहीं है तो स्किन पे ग्लो भी ये लेके आएगा। तो इस तरह से आपने इस क्रीम को बनाना है और उसके बाद आपने इसे एक टाइट कंटेनर के अंदर डाल देना है, सिर्फ आपने 4 से 5 दिन के लिए ही बनाना है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। और उसके बाद आपने इसे अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना है। तो ये क्रीम आप बनाइए और यूज़ कीजिए, और इसको किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम को लगाना है, पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इसे पूरे फेस पे लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरह से। और उसके बाद आपने मसाज करनी है, 4 से 5 मिनट आपने अच्छे से इसके साथ मसाज करनी है। अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ यानी फाइन लाइन आ गई है तो ये आपकी स्किन को टाइट बनाएगा। अगर आपके फेस पे किसी तरह के स्पॉट है
या पिगमेंटेशन कहीं पे हुई है या सन टैनिंग आपके फेस पे हुई है तो वो भी इसके साथ धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने इसे रेगुलर यूज़ करना है रात को सोने से पहले, अच्छे से इसके साथ मसाज कर ली, क्योंकि इसको हमने स्किन के अंदर ऑब्जर्व करवाना है। जब मैंने इस क्रीम को यूज़ किया था तो मुझे अपनी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी, इतनी सफल लग रही थी, मेरा हाथ ही नहीं हट रहा था अपने फेस से, इतनी ज़्यादा मुझे अपनी स्किन सॉफ्ट लग रही थी। तो आप 1 वीक इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेगा। और साथ में अगर आपकी स्किन डल हो गई है, किसी तरह का ग्लो नहीं है फेस पे, तो धीरे धीरे करके इसके साथ आपके फेस पे ग्लो भी आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इस क्रीम को बनाना है। ये स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग बहुत अमेजिंग वर्क करेगी आपके फेस पे, और अपने एक्सपीरियंस में साथ जरूर शेयर करना। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पे न्यू है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ब्यूटी विद संगीता वर्मा के नाम से ही है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेमेडी के साथ।